पीएचई डिपार्टमेंट, 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 पीएचई डिपार्टमेंट। ये जो अपना पीएचई डिपार्टमेंट है, खासकर मैकेनिकल है, इसके लिए हमारी डीसी साहब तक या जनाब गवर्नर साहब तक, तमाम जम्मू कश्मीर की जितनी इंतजामिया है उस तक हमारी ये खबर पहुँचाएँगे। हम इनका तहे दिल से, मैं मीडिया हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वक्तन हमारी खबरें ऊपर तक पहुँचाते हैं। मैं लोअर छजला का सरपंच हूँ। मेरी पंचायत खासकर दरिया से लेकर पोठी ज्यारत टोपा तक पड़ती है और इतना इलाका पानी के बगैर खुशहाली से मुतासर है। लोग यहाँ मेरी पंचायत में रात भर चश्मे पर बैठते हैं और अपनी अपनी गड़बी ये जो पानी की है ये भर के ले जाते हैं। मेरी माएँ बहनें जो बच्चियां हैं सारी सारी रात वो कहाँ चश्मों पे बैठती हैं। और पी बच्ची वालों को मैंने हज़ार हाँ बार कहा, उनको टस से मस नहीं। डीसी साहब से मैंने छजला ज़ियारत शरीफ पे अर्ज़ की, फिर मैंने एसडीएम साहब को कई बार मिला और जो मैकेनिकल हमारा एडब्ल्यू साहब है वो कहता है जी मेरा मेंडर में कोई काम ही नहीं है। ऐसे मुलाजमों को यहाँ से दूर कहीं भेज के हमें नए मुलाजम दिए जाएं जो यहाँ काम करें, जो लोगों की समस्या को हल करें ताकि गरीब लोग तक ये पानी का पानी पहुँच सके। वरना ये जो हिंदुस्तान का वादा है कि हम पानी हर घर पानी दे रहे हैं, मेरे अंदाजे से ये सबसे पहला झूठा वादा है। किसी घर में अगर पानी नहीं है, अगर किसी को शक है तो मेरे इलाके में एक टीम बनाकर भेजें जो यहाँ मेरे इलाके पूरी लोअर छजला पंचायत को चेक करे क्या लोगों को पानी मिलता है, ये झूठ है। इसलिए मेरी गवर्नर साहब से दोबारा अपील है, डीसी साहब से दोबारा अपील है कि मेरे इलाके में यहाँ एक कमीशन भेजा जाए जो लोगों की समस्या सुने। और इस मेरे इलाका जो कमीला वाली बनी जबड़ा है इसमें तो पाइपें नहीं लगी हैं, नलका कहाँ से आएगा, वहाँ तो पाइपें नहीं लगी। जो सेगी से टुप्पा रामकुंड सिमकन स्कीम है वो कई सालों से आज तक चली नहीं, जबकि बनी आज तक चली नहीं है। जो हमारी ये छोटी अड़की शेर शाह स्कीम है। जी जी सरपंच साहब, तो ये बताइए आप, ये जो आप स्कीम के बारे में जिक्र किया आपने, ये कब से ये स्कीम चल रही है? एक मिनट, आप कब से ये स्कीम चल रही है? 2008 से चल रही है, 2008 से आज तक ये फंक्शन नहीं कर रही है। रामकुंड एक टैंक बना है, वहाँ पहले आए जेई साहब, उन्होंने दिखाया कि यहाँ भाई ये चलती है, सबका सरपंच ने कहा, लेकिन वो झूठ था, वो नहीं चलती है, कोई स्कीम नहीं चलती है। तो आपके पास यहाँ पे कोई मुलाजम पहुँचा है कि नहीं? मुलाजम आता है, कहता है हम, ये एक जेई आता है वो कहता है महीने के बाद ठीक हो जाएगी, 10 दिन के बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे भी 2 साल यहाँ, मेरे पास सरपंच ही है, ठीक कुछ नहीं यहाँ हुआ। जो हमारे सरपंच साहब ने बात बोली है ये बहुत अच्छी बातें कही है इन्होंने, और ये है यहाँ पे कोई पीएचई वाला मुलाजम नहीं है, और जिस अफसर को भी बोलो कि हमारे जो है ना पानी नहीं है, पानी की कमी है, कोई बात ये सुनता नहीं है, और हम जो है ना बहुत मुश्किल में पड़े हैं पानी के बगैर, कोई भी जो है यहाँ पे पीएचई का मुलाजम ही नहीं है। और ख़ासकर मैं डीसी साहब राहुल यादव साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे इलाके में एक टीम भेजी जाए जो इलाके का सर्वे करे, और सर्वे के बाद यहाँ के लोगों की मुश्किलात को आप तक पहुँचाएँ, और यहाँ के जितने भी मुलाजम हैं उनको झंझोड़ा जाए ताकि वो अपना ड्यूटी जो है वो सही ढंग से अंजाम दें। और मैं यहाँ लोअर छजला पंचायत की सरपंच हूँ। यहाँ हमारे गांव में पानी नहीं है, क्योंकि 6 महीने तक ये पानी नहीं चल रहा है, और मीडिया से भी शुक्रिया जो हमारे गांव में आते हैं, और उनको ये चाहिए कि नवे यहाँ पुराने जेई यही वहाँ से उनको भेजा जाए तो नवे दिए जाए मुलाजम हमारी पंचायत में। इसी से मैं ये शुक्रगुजार करती हूँ कि हमारी पंचायत में नए मुलाजम दिए जाएँ और पानी दिया जाए। मैकेनिकल डिपार्टमेंट।
परसों हम तीन चार आदमी आ जाएंगे, मास्टर जी आएंगे और तीन चार आदमी आप आ जाइए, मैं सारे साथ बिठा के बुलाएंगे।